बुद्धिस्ट एंड जैन सर्किट इन ओडिशा पार्ट टू में आपका स्वागत है। मैं हूं बाइकर टूरिस्ट सूर्य और आज हम जाएंगे खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स, जो कि लगभग 2000 साल पहले बना था। इसको जैन मॉन्क्स ने बनाया था 1st century BCE में सम्राट खारवेला के समय पे। उस वक्त ओडिशा पूरे भारतवर्ष का कल्चरल कैपिटल होता था और इसके लिए उसको उत्कल कहा जाता था, और जैन मॉन्क्स ने यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे केव्स बनाए जिसमें कि बहुत सारे मॉन्क्स आके रहते। उस जमाने में ये अतिथि गृह के तौर पे काम करते थे और इसमें 30 से भी ज़्यादा केव्स हैं। हर केव में 8 से 10 गुफाएँ होते थे। ये आपको भुवनेश्वर बस स्टैंड से महज 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। उदयगिरी का मतलब सनराइज हिल, या फिर जहाँ पे सूर्य का उदय होता है। उदयगिरी में 18 केव और खंडगिरी में 15 केव होते हैं। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ये रानी गुम्फा है, जो कि डबल स्टोरीड केव है। हर गुफा लगभग अलग अलग समय पर ही बना हुआ है। प्रोमिनेंट गुफाओं के बीच हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा, बाघा गुम्फा और पाताली गुम्फा बहुत प्रसिद्ध है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसका बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण कर रहा है, इसको आदर्श स्मारक गुफाओं के नाम पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। पत्थरों के ऊपर शिलालेख आपको देखने को मिल जाएगा हाथी गुम्फा में, जो कि सम्राट खारवेला के पत्नी अगा महिषी के जमाने पे लिखा गया था। बाकी गुफाओं में जो शिलालेख मिलते हैं वो देवनागिरी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, जो कि ये माना जाता है कि उनका बेटा के समय पे लिखा गया था। खंडगिरी, जो कि उदयगिरी के बिल्कुल सामने है, उसमें जैन मंदिर है और बहुत सारे गुफाएं भी हैं उसमें। ये गुफाएं बहुत ही सुरक्षित स्थान माने जाते थे ठहरने के लिए। इन गुफाओं में बहुत अच्छे कलाकृति भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन गुफाओं में सबसे खासियत ये होता था कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था, जो कि इतना पुराना होते हुए भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल। खंडगिरी में स्थित नवमुनि गुम्फा बहुत प्रसिद्ध है, जो कि जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। खंडगिरी के गुफाएँ 11वीं शताब्दी में बने थे सोमवंशी राजाओं के दौरान। आप जब भी भुवनेश्वर आते हैं खंडगिरी उदयगिरी केव्स जरूर जाएं, जरूर उनको अपने बच्चों को दिखाएं। ये है बाघा गुम्फा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाइकर टूरिस्ट सूर्य। अगले बार जाएंगे और एक प्रोमिनेंट प्लेस। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।